ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਰਖਮ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਟਿਊਲਿਪ ਬੁਟੀਕ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸਾਨੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਆਪ ਆਏ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕਿਲਾ ਚੰਦ ਸੁਸ਼ਮਾ ਕਿਲਾ ਚੰਦ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਗਮਾਰ ਜੁਵਲਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਕਾ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋ ਆਪ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋ 26 ਜੂਨ ਕੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਕੋ 6 ਵਜੇ ਸੇ ਲੇਕਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਗਾ ਸੋ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਮੇ ਨਏ ਨਏ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆ ਰਹੇ ਹੈ चलो पहले सुषमा आप शुरू करें ओके है ना ज्वेलरी में मैं क्या देख रही हूँ अभी कि सभी द मूवमेंट फ्रॉम रियल ज्वेलरी टू सेमी प्रेशियस ज्वेलरी इज क्वाइट ट्रेमेंडस सालों में आई थिंक 5 or 6 ईयर्स अगो पहले क्या होता था एवरीबडी यूज टू वेयर रियल ज्वेलरी इट वॉज ऑल अबाउट द रियल गोल्ड ऑल अबाउट द रियल डायमंड्स लेकिन जब गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने लगे देयर वॉज एन एंटायर वेकेंसी इन द इंडियन मार्केट to create designer semi-precious jewelry. Achha. अभी उसका मतलब क्या होता है जब कोई बोलता है designer semi-precious jewelry, what does that mean? Generally it means हम silver पे gold plating लगाते हैं अच्छा उसके ऊपर हम semi-precious stone set करते हैं और सब हाथ का काम होता है अच्छा और जो look और feel होता है jewelry का it looks as good as the real thing. आप if you try it, if you look at it, आपको लगेगा ये तो real diamond की piece है अच्छा बट द आइडिया इज टू मेक इट अफोर्डेबल लग्जरी यानी $100-$300 में आपको अफोर्डेबल सेमी प्रेशियस ज्वेलरी जो हम डिज़ाइन करके बम्बई में आपको यहाँ आपके लिए आप लेके आए हैं अच्छा आज के ज़माने में अफोर्डेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप सेमी प्रेशियस स्टोन्स बोलते हो तो स्टोन्स का वैसे ट्रेंड अभी क्या है खासतौर पर जो यूथ हमारे जनरेशन है यंग लोग उनमें कैसा ट्रेंड है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव बीन सीइंग एवरीथिंग इज मोर टर्कोइज अभी स्प्रिंग समर आ रहा है तो ऑल द स्टोन्स एंड द कलर्स आर वेरी वाइब्रेंट वी फाइंड अ लॉट ऑफ कॉरल टर्कोइज ऑनिक्सेस द ट्रेंड इज टुवर्ड्स वेरी वेरी ब्राइट फन कलर्स इन ज्वेलरी अच्छा सो इट्स ऑल अबाउट द ऑरेंजेस एंड द ब्लूज एंड द ग्रीन सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग नाउ स्पेशली विद समर कमिंग अप द कॉर्नर कि अभी आप लोगों को सब ब्राइट ज्वेलरी मिल रही है इट्स नॉट जस्ट गोल्ड इट्स नॉट जस्ट सिल्वर इट्स अ लॉट ऑफ फन ज्वेलरी जो आप अपने सिंपल आउटफिट्स के साथ पहन सकते हो डिनर या पार्टी के लिए ठीक है जी सो आउटफिट के बारे में असं गलबात करांगे शिवानी जी के नाल इन्होंने ज्वेलरी की गल की है स्टोनस की गल की है तो जे हाँ जी उस तो पहला क्योंकि कि कपड़े नाल तुसीं किहड़ा गहना पाउणा है उन्होंने कपड़िया के बारे गलबात करनी हो शिवानी सानी जी दस सकते हैं सो फैशन में ट्रेंड्स हाँ जी फैशन में आजकल ट्रेंड्स सूट्स में लेट्स स्टार्ट विद सूट्स अनारकलीज बहुत चल रहे हैं फ्लोर लेंथ अनारकलीज विच आर राइट टू द ग्राउंड तो बेसिकली जो पजामी होती है वो दिखती नहीं है ठीक है लॉट्स ऑफ फ्लोइंग फैब्रिक्स बिग बिग बॉर्डर्स घेराज साइड बाई साइड एक और ट्रेंड चल रहा है हमारा ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल अच्छा जी स्ट्रेट कुर्ताज शॉर्ट अबव द नी पटियाला सलवार के नाल अच्छा दोज आर क्लासिक सूट्स एवरग्रीन अच्छा जो साड़ी आपने पहन रखी है ये कौन सा ट्रेंड है ये एक्चुअली दिस इज अ अनारकली अच्छा। ये फ्लोर लेंथ अनारकली है है नेट में पर सारा काम इसमें है वेलवेट है कुंदन का काम पर्ल काम सो लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग काम इकट्ठे डाले हैं इस पर और ये भी अफोर्डेबल है हाँ जी ऑल माई कलेक्शन इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस वाइज एनीथिंग फ्रॉम अबाउट $200 एंड अप फॉर अ फॉर्मल ड्रेस ठीक है सुषमा ये जो फैशन शो आप करवाने जा रहे हो बड़ा वैसे एक्सक्लूसिव है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे एब्सोल्युटली तो ये जो हमारा फैशन शो है वो 26 जून वेडनेसडे यानी नेक्स्ट वीक को वी गोइंग टू होल्ड इट डाउनटाउन टोरंटो एट द स्पोक क्लब वो 600 किंग स्ट्रीट वेस्ट है अभी ये इट्स अ मेंबर्स ओनली क्लब और ये जो हमारा इवेंट है
ये हमारे पूरी फॉल कलेक्शन को शोकेस करेगा. सो इट्स बाई इन्विटेशन ओनली. इफ एनी SSTV मेंबर वुड लाइक टू बी और अ व्यूअर वुड लाइक टू कम टू आवर शो, वी वुड इनकरेज यू टू कॉल आवर टेलीफोन नंबर्स व्हिच सतपाल सिंह जी विल प्रोवाइड एट द एंड ऑफ आवर लिटिल टेट राइट नाउ. बिल्कुल जी. तो लो जी, असं ये जो फैशन शो है चाहवे कि खास तौर पर जो यंग जनरेशन है जरूर जान इस दे विच, क्योंकि इस किस्म के ईवेंट्स से जो तुसी जांदे हो तो फिर काफ़ी कुछ है जी नवा पता लगता है, नवे ट्रेंड्स बारे पता लगता है. फैशन कई बार किस मौके पर किस किस्म का कपड़ा या गहना तुम पहनना चाहिए उसके बारे काफ़ी एजुकेशन तुम्हें मिल सकती है इस किस्म के जो ईवेंट पर जाते हो. पर जे जाना तुसी इस ईवेंट के स्पैशली जिस तरह दसिया इन्होंने कि ये बिल्कुल है जी ये नहीं गा कि जिहड़ा मर्जी जाए जे तुहाडे कोल इनविटेशन होया तो फिर तुसी जा सकोगे. असी स्क्रीन पर भी कोशिश कर रहे हाँ कि शिवानी सानी तो सुषमा किला चंद इन्हां दे जो वैबसाइट हैं वो इन्हां दे नावां दे नाल आउण ताकि तुसी वैबसाइट तो इस बारे होर जानकारी लै सको. असी तुहानू अगे चल के टैलीफोन नंबर भी देंगे. सो अपने शिवानी जी ये कौन से टाइमिंग पे हो रहा है ये फैशन शो? हाँ जी, ये है फ्रॉम 6 o'clock to 8 o'clock. तो स्टार्टिंग में है हमारे एपेटाइजर्स एंड कॉकटेल है एंड देन 6:45 पर फैशन शो है. अच्छा. एंड उसके बाद एग्जीबिशन फ्रॉम 7 o'clock to 8 o'clock एग्जीबिशन है. सो फैशन शो में आपने कोई स्पेशल मॉडल्स बुलाए हैं? यस वी हैव. हाँ जी, वी हैव सम ब्यूटीफुल मॉडल्स एंड दे विल बी शोकेसिंग सारे. It's a runway fashion show है. अच्छा. And it's a very exclusive venue, is very exclusive. Downtown में है, downtown Toronto में. और सुषमा कोई इसमें music वगैरह और कोई? Yes, we have very sort of fusion music. And ये इसका जो पूरा idea है सतपाल जी to sort of bring the Canadian audience something different. ठीक है. Something that is very specific, जो हमारे इंडिया में कोई अच्छी चीज़ हम बनाते हैं क्लोथिंग में या ज्वेलरी, समथिंग दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, जो हमारे द फोकस इज टू सॉर्ट ऑफ रिक्रिएट डाइंग वर्क्स ऑफ आइदर एम्ब्रॉयडरी या हमारी ज्वेलरी है. पूरे कारीगर जो है इंडिया में जो हमारी सब चीज़ें बनाती है, द एफर्ट फॉर दिस फैशन शो इज़ टू प्रमोट दोज आर्टिस्ट, टू प्रमोट जो हमारे कारीगर है उनका जो काम है, वी हियर टू प्रमोट दैट in terms of clothing as well as in terms of jewelry. So ye jo hamara fashion show hai, the entire concept is the models will be walking apni jo fall ki collections hai Shibani ki aur hamari Dagma jewelry ki fall collections hai, ye sab models promote karenge walking down the runway. So all the people that are invited can actually get to see our collections before we showcase it to the rest of. Wonderful. ये collection actually हटकर है क्योंकि हमने ये collection specially design किया है together, me keeping Shushma's jewellery in mind. That's right. And her jewellery is designed keeping our garments in mind. ठीक है. So you can get pura dress, matching jewellery and outfit together. ठीक है जी. इन्हें साढ़े को शिवानी तो सुषमा प्रोग्राम दे विच तुसी देख रहे हो, इन्हां दे नाल रेनू मेहता जी होर काफ़ी सारी टीम साढ़े स्टूडियो दे विच आई हुई है. दस रहे ने कि जो फैशन दे विच नवे नवे ट्रेंड्स हैं ज्वेलरी उस दे नाल तुसी किवें मैच करनी है, खास तौर पर जे इस सारे कुछ के बारे तुसी इनफॉर्मेशन लैनी होवे तो इस फैशन शो दे विच विशेष तौर पर तुसी शामिल हो सकते हो. शिवानी जी देखो, एक कैनेडा अब कितना मल्टीकल्चरल हो गया, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आए हुए हैं. सो इस तरह के फैशन शो में आप इंडियंस को हैं जी, हमारे ओरिजिन के लोगों को ही बुला रहे हैं जहाँ कैनेडियन जहाँ दूसरे मेनस्ट्रीम के लोग? मिक्स्ड है. अच्छा. इंडियंस है, कैनेडियंस है, सो इट्स क्राउड सारा मिक्स्ड है. अच्छा. प्राइमरीली इंडियन होएगा बट देर इज लॉट ऑफ कैनेडियन क्लाइंटल आल्सो, जो कैनेडियन लेडीज है पहनते हैं. आजकल ट्रेंड इतना चल रहा है कैनेडियन मार्केट में भी. ठीक है. आप देखो इवन हॉलीवुड स्टार्स आर वेयरिंग आवर साड़ीज, है ना. ठीक है. तो काफ़ी कैनेडियंस भी हैं हु लाइक टू वेयर आर आउटफिट्स बिकॉज उनको रेगुलर रेड ब्लू ग्रीन येलो ड्रेस नहीं चाहिए, सो दे वांट समथिंग डिफरेंट. ठीक है. उसके लिए हम गाउन्स भी करते हैं जस्ट टू प्रमोट दैट. और 26 जून नु है जी बुधवार नु ये फैशन शो. इस फैशन शो में ही लोग आकर इस तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सुषमा जी कि जहाँ अगर आप जब भी किसी के पास टाइम हो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली दे कैन. उनको बहुत खुशी होगी उनके साथ बात करने. दे कैन कम टू सी आवर शोरूम. ठीक है. टू सी आवर वेबसाइट, दैट विल बी ग्रेट. और मैं जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग सतपाल जी, दिस होल पॉइंट ऑफ डूइंग अ फैशन शो साथ में हम जो कर ले, द होल आइडिया इज टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग आवर ऑडियंस
something different, an interesting partnership of clothing, jewelry के साथ. So that is the whole concept of हमारा जो fashion show है next week. ठीक है जी, तो इनकी वेबसाइट हम आपको बताते हैं ज़रूर. सुषमा किला चंद जी के जो वेबसाइट, आप इस इवेंट के बारे में जहाँ जो कुछ इनकी जो ज्वेलरी वगैरह है, सारी कलेक्शन है, उसकी जानकारी लेनी हो तो वो है www.dagmarjewelry.ca. इस वेबसाइट पे आप जाइए, इस वेबसाइट पे जाके तो सारी जानकारी जो है इस सिलसिले में मिल सकती है. इसी तरह साढ़े को जो शिवानी सानी उन्होंने जानकारी दी ही है, इन्हों की सिल्वर ट्यूलिप बुटीक जो है मारखम के चला रहे हैं, बड़ा ये पॉपुलर इन्ह का उत्थे बिजनेस है. इस सिलसिले के फैशन शो के जाना तो इन्हों की वैबसाइट तो जानकारी लो, तो या फिर 416-735-0540 भी इन्हों का टैलीफोन नंबर है, असं प्रोग्राम तो बाद भी तुम्हें देंदे रहेंगे, तो या फिर 416-897-5776 टैलीफोन नंबर से जानकारी सुषमा किला चंद होना को या शिवानी सानी होना दे को ले सकते हो. सो प्रोग्राम के आखिर में आप कुछ और कहना चाहते हैं सुषमा जी? नहीं, जस्ट टू वेलकम एवरीवन टू आवर शोरूम एंड फॉर द इवेंट. ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड है दे शुड फील फ्री टू कॉल अस अप. वेरी गुड. सुषमा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट दैट वी वुड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग आपके सब व्यूअर्स, जो भी जिनको भी इंटरेस्ट हो वो आपको दे कैन कॉल अस, वी वुड लव टू हैव देम देयर. And it's wonderful to have a Bollywood-inspired event here in Canada. आप बोल रहे थे multicultural के बारे में. हाँ जी. To your point, हमारे fashion show में जो शिवानी ने पहले बताया था आपको, Canadians भी होंगे, Indians भी होंगे. In my opinion, मेरे Canadians जो clients हैं, उनको Indian fashions में even more दिलचस्पी है. ठीक है. More so than Indians. अभी उनको कुर्ते पहनने हैं, उनको tunics पहनने, उनको fashion jewellery पहनने हैं. They're very inspired by Bollywood. ठीक है, तो इसके लिए वी वेरी वेरी थैंकफुल टू बी एबल टू डू दिस इन कैनेडा. ठीक है जी, तो लो जी फिर इस फैशन शो के जो तुम जाना तो इनविटेशन होना चाहिए, जिस तरह सुषमा जी ने प्रोग्राम के दसिया ही है, शिवानी जी ने भी दसिया है. सो जे थोड़े को इनविटेशन होया, जे फर्ज करो तो इनविटेशन लैन कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो एस एस टैलीविजन के व्यूअर्स के तौर पर, दर्शक के तौर पर असी कोशिश करांगे कि रेनू मेहता जी नू कहिए कि साडे कोई दर्शक दे जाना चाहन ते वो जरूर तुहाडे लई इनविटेशन दा इंतजाम कर सकणगे. सुषमा जी बहुत धन्यवाद आप आए. धन्यवाद. इसी तरह आपका धन्यवाद शिवानी जी. धन्यवाद सतपाल जी, बहुत मेहरबानी. असी तुहाडी सेवा दे विच थोड़ी जी जानकारी पेश करदे हां ते उस तों बाद सवाल हाजिर है. 647-7626 टैलीफोन नंबर रहेगा प्रोग्राम दे विच. कनेडा तो अमरीका जाद्या बड़ी वही तादाद डालर समगल कर दोष के एक माँ तो उसकी धी, हाँ जी, एक औरत उसकी धीए काबू आई ने. कनेडा तो अमरीका के रस्ते लिबनान जा रही एक औरत उसकी पुत्री डिट्रॉयट मिशिगन के अमरीकी अधिकारियों वालों गिरफ़्तार किया गया पिछली 9 जून में. ये दोवें विंडसर शहर दियां रहण वालियां ने, दक्षणी ओंटारियो. ते लगभग 70,000 डालर अपनी ब्रा दे विच लुको के लिजा रही सगियां. 51 साल दी मौरा अल असमर ते उसकी 16 साल दी बेटी जसिंटा, ये दोनों ही वैसे कनेडियन सिटीजन है. ते जिहड़ी मौरा सीगी 51 साल दी, ये तो है जी अपनी ब्रा दे विच 10-10 हज़ार के डालर ते 9-9 हज़ार के डालर के 4 पैकेट इन्हें सीते हुए सके. यदि कुड़ी ने जसिंटा ने भी उस ही तकनीक दे नाल 20,000 डालर जिहड़े आ अपनी ब्रा दे विच लुकोए हुए सीगे. US कस्टम्स अधिकारियों ने दोवां तों कुल मिला के तकरीबन 73,000 डालर बरामद करन दा दावा कीता. असीं वख-वख प्रोग्रामां दे विच तुहानू दसदे रहे हां कि जे तुसीं जाणा अमरीका नूं, हां जी, कनेडा तों ते जां तुसीं बाहरों कितों कनेडा नूं आउणा भी है, तो ना तो 10,000 डालर तों ज़्यादा की रकम ले जा सकते हो, तो ना लिया सकते हो डिकलेयर किए तो बिना. तो जे तुसीं अजिहा करदे हो तो जदों फिर तुहाडे कोल रकम फड़ी जाती है, जिन्नी भी वह होएगी वह जबत हो जाएगी, तुसीं उस नूं दुबारा क्लेम ही नहीं कर सकते. हैं जी, सो हुण ये औरत जिहड़ी है ये तो हैगी है जेल दे विच, ते इहदी कुड़ी नूं वैसे छड्ड दिता गया, इहदे ते कोई चार्ज नहीं लगाया गया. 73,000 डालर लिबनान तो किसी वेले औरत रिफ्यूजी बन के कनेडा दे विच खाली हथ आई सीगी. हाँ जी, उस तों बाद ये हुण जो है जा रही सी दुबारा लिबनान नूं वापस घूमण फिरन वास्ते, तो इन्होंने शिकागो तो फ्लाइट फड़नी सी जिहड़ी बैरूत वाले पासे नूं जानी सी, पर उस तो पहला कि शिकागो पहुँचते डिट्रॉयट के विखे ही रंग दे विच भंग पै गया, इन्हों काबू कर लिया गया. जिस वेले ये पता लगा, वैसे तो इन्होंने शुरू दे विच कहा जी साडे कोल तां 3,000 डालर ही है, 3,300 डालर है, तो पर जदों इन्हों का पर्स खोल के देखिया अफसर ने,
उस पर्स के 15,000 डॉलर होर निकले हैं जी। तो जो उन्होंने पूछा गया भी इन्ने डॉलर है तेरे को, वो कहती भी मैनू ये पर्स के इन्ने डॉलर से, मैनू भी नहीं पता लगा भी इन्ने डॉलर से मेरे को हैं जी। तो बाद उन्होंने जो होर इन्हों नप कुट के तलाशी लैनी शुरू की तो फिर इन्हों की बरा वाले एरिया होर वड्डी तादाद डॉलर मिले तकरीबन 60,000 मामतियाँ दे कोलों। तो फिर कहन लगी जी कि नहीं ये मेरा जो बॉयफ्रेंड आ ना मैनू गड्डी चला के नाल छड्डन जा रहा एयरपोर्ट ते, मैं इहनू नहीं सी पता लगन देना चाहती कि मेरे को एड्डी वड्डी रकम है, जिस करके कि मैं इहनू लुको के एड्डी वड्डी रकम नू ले जा रही सी। साडा सवाल तुहाडे कोल अज इह आ भी ये है जी, इन्नी वड्डी तादाद दे विच रकम लैके लिबनान नू जा रही सी औरत कनेडा तो, ते वैसे तो इन्हें यह भी कहा कि हाँ जी उहदा कोई गलत काम नहीं है। तो पर काफ़ी जो पुलिस ने यदि डिटेल के जाके जाँच पड़ताल की तो पता लगा कि काफ़ी सारे अजय काम हैं है जी रिफ्यूजी के तौर पर आई हुई औरत जिन्हों के इस तरह के फर्ज करो उन्होंने काम कनेडा के रेंद नहीं सी करने चाहिए। अगे चल के असी जानकारी साझी करांगे। तुहाडे तक साडा सवाल इन्ना है, कोट पेंट असी सी के लिक्विडेशन के सहयोग के नाल अपने विजेता देना 647-7226-22 टैलीफोन नंबर है। तुहानू की लगता है कि कनेडा के औरत की काम करती होगी, इन्नी वड्डी रकम लुको के नकद कैश के रूप के लैके जा रही सी, आप तो लैके जा ही रही सी नाल अपनी धी नू भी इन्हें इसे काम ते लाया है जी, वह भी उहदे नाल ही सफ़र करना सी उस लड़की ने भी, तो लेकिन के फड़े जाने तो बाद काफ़ी रुसवाई हुई है एक तरीके दे नाल लड़की नू, तो उन्होंने छड़ दिता। वैसे ये औरत अजे भी जेल दे विच ही है। तुसीं कुछ सोच सकते हो कि 73,000 डॉलर नकद लैके औरत जा रही सी कनेडा तो लिबनान अमरीका दे रस्ते हैं जी, तो कनेडा दे विच औरत की काम करती हो सकती है। तो जे फर्ज करो तुहानू थोड़ी बहुत जानकारी है ठीक तो ढुकवी तद भी, तो जे लगभग भी तुहाडा जवाब ठीक होया तो जाओगे सी के लिक्विडेशन ते साढ़े अज के प्रोग्राम तो बाद टैलीफोन कर सकोगे सी के लिक्विडेशन ते, कोट पेंट तुसीं अपना क्लेम कर सकोगे। तो असी तुहाडी सेवा दे विच ये सवाल लैके हाज़र होए हाँ कि इन्नी वड्डी रकम नकद तुसी लैके जा रहे हो, डिकलेयर नहीं कर रहे हो, जिहड़ी कि हुण जब्त हो गई है सारी दी सारी, कोई अंदाज़ा तुसी लगा सकते हो कि औरत कनेडा दे विच की काम करती होगी जिहड़ी कि इन्नी वड्डी रकम हैं जी। कई नूं इह हुंदा कि जिधरों व्यक्ति चलिया होवे चलण वेले बड़ा तंग हुंदा कि मैं फटाफट जाना इत्थे तां जिंदगी मेरी बड़ी नरक है, किसी भी तरह छड के व्यक्ति जो हन अपना देश भजण नूं तैयार हो जांदे ने, ते पर फिर जदों जिधर नूं जांदे ने पहलां हैं जी उधरली खिच बहुत हुंदी है, उत्थे पहुँच के फिर मगरली खिच बहुत हुंदी है, जिथों छड्डण नूं लोक काले हुंदे ने कि हुण मैं उधर नूं जाणा। उधर नूं खाली हथ नहीं जाना, जिधर नूं जाण नूं बहुत दिल करदा उधर नूं खाली हथ जाना 10 या 20 डॉलर लैके, तो जिधरों भजन में बहुत काले होंगे उधर मुड़ के हज़ारां लखां जिन्ने भी हुण लैके जाण नूं दिल करदा है। सो पिछे नूं सारा कुछ ढोण नूं दिल करदा है, इन्ना पिछे नूं ढोण दी काली दे विच 73,000 डॉलर नकद समेत फड़ी गई औरत अपनी कुड़ी दे नाल की काम करती होएगी कनेडा दे विच, इह दे दिओगे ठीक तो ढुकवां जवाब तो जाओगे सी के लिक्विडेशन ते, कोट पेंट नवा लैके उत्थों आ जाओगे साढ़े खर्चे ते। देखते हैं साढ़े नाल कौन ने, सुर सागर जी। हैलो जी भाई साहब। हाँ जी ए, हेलो हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। टेलीविजन तुसी कट कर लो आवाज। इधर मेरे आल भी थोड़ी सत श्री अकाल आ गई जी। जी आ गई, आप टेलीविजन दी आवाज कट करो फिर अगे गल करिए तुहाडे नाल। लो जी फिर तुसी कट कर लो आवाज, तुहाडे नाल असीं दोबारा गल करदे हां। सुर सागर जी हेलो। लो जी अगे चलिए सुर सागर। सवाल का कदे भी इस किस्म का जवाब नहीं हुंदा जेडे जवाब दे बारे कदी खुल के गल ना कर सको है जी। सो की काम करता हो सकता व्यक्ति इन्नी वड्डी रकम लैके जा रहा अपने मुल्क नूं कनेडा तो, वह भी नकद है जी, तो भी दसना भी उन्हें गुबारा नहीं समझिया कि मैं इन्नी वड्डी रकम लैके जा रही हाँ, उन्होंने लुकाना चाहिया, लुकोया भी इस तरीके दे नाल कि अपने शरीर के है जी जिहड़े कपड़े पाए आ उन्हां दे विच सिंते होए ने डालर। हैलो। हैलो जी। जी भाई साहब सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। की काम करती है औरत जिहड़ी, तुहाडा की अंदाजा है? मेरा अंदाजा दे धंधा करदी सी। अच्छा जी, अंदाजा लगा रहे तुसीं?
है जी अंदाजा लगा रहे हो तुसी अंदाजे नाल दस रहे हैं नहीं नहीं अंदाजे नहीं बिल्कुल सही गल हो अच्छा बिल्कुल सही है की ना तुहाडा जी जोगिंदर सिंह गिल जोगिंदर सिंह जी बहुत मेहरबानी जोगिंदर सिंह जी कहिंदे आ हां जी इन्होंने अपना जवाब दिता है बहुत मेहरबानी तो जदों तुसी आओगे प्रोग्राम दे विच ते कोशिश करना कि तुसी अपने रेडियो फर्ज करो टैलीविजन की आवाज़ जिहड़ी है उस नूं घट कर लैणा ता कि तुहाडी गल जिहड़ी है वह साडे दर्शकां तक पहुँच सके 647-7620 टैलीफोन नंबर ते सवाल असीं तुहाडी सेवा दे विच पेश कीता होया है कि की काम करती होएगी ये औरत की अंदाज़ा तुहाडा कभी आप खाली हथ आने कनेडा वर्गी इस धरती से फिर इतने बड़े मालामाल हो जाने फिर असी अपने पिछे नूं सारा कुछ लैके जाना चाहते हाँ तो लैके कई बार जाना भी चाहते हैं चोरी चोरी है जी किसी पता ना लगे तो फिर योजे अपने गैर कानूनी कामकार असी अपने बच्चों भी लगा लें जिस तरह इन्हें आप तो हाँ जी फसी है नाल यदि कुड़ी भी 16 साल की जी कि अजे स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है जिन्हें अजे जिंदगी का कुछ नहीं वेख्या है जी सो एक तरीके कई बार आप देखते हैं कि बच्चों की जिंदगी किस तरह कई बार मापे भी बर्बाद करन दे विच हिस्सेदार हुंदे है तो ये एक अपने आप दे विच बड़ी वड्डी एग्जाम्पल है जी कि लिबनान नू जाना सीगा अमरीका दे रस्ते कि कनेडा तो नहीं जाते सस्ती टिकट अमरीका तो मिल गई कोल $73,000 तो 10 नहीं पा रही इमीग्रेशन अफसरां नू माफ़ी चाहुंदे जी तुहाडी लाइन साडे कोल कट्टी गई है किहड़ा काम करदी है ये औरत अंदाजा लगाउणा सिर्फ तो जाओगे सीके लिक्विडेशन ते साडे खर्चे ते सुर सागर जी फटाफट कोई पैसा मिलिया हो चले जाए तो बहुत दर्द नहीं होंगे क्योंकि पसीना नहीं बहाया होंगे भाई साहब की नाम सतनाम सिंह जी कि शहर चो बोल रहे हो मैं जी थोड़े को ब्रैम्पटन अच्छा जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया थोड़ा देखते हैं असं तो सीके लिक्विडेशन पर भेज सकते हैं जो गल इदा हुई इन्होंने अंदाजा लगया कि जी शायद वह ना उन्होंने लैटरी जीती होगी लैटरी वो निकली होनी है तो फिर उन्हें कहा भी मैं ये जो पैसे आ उ लिबनान छे आनी हाँ इतने कनेडा तो मैं बहुत ही लड़ नहीं तो उन्हें वही रकम एक व्डा हिस्सा तो आप लुको ली थोड़े जे उसने अपनी लड़की भी दते फड़िया लेकिन कि दोनों ही गई सुर सागर जी अपने अंदाजा यही लगा रहे हो कि कोई ना कोई गलत काम ही करती होनी है पर जरूरी नहीं गा कि गलत ही काम करती होगी है ना जरूरी नहीं गा ये पर फिर भी तुसी अपना अंदाजा लगा रहे हो 647-7620 टैलीफोन नंबर से सीके लिक्विडेशन पर तुसी जाना कोट पेंट नवा लैके तुसी आ जाना टैलीविजन पिछली बार बीबी जी ने जितया सेगा उस तो बाद फिर होर भी जिन्होंने प्रोग्राम च पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी जसप्रीत रंधावा जी ने भी टैलीफोन किए कि जी जे जे टैलीविजन वो नहीं लैके गए तो फिर असी लै आने सो इस तरह निजी जेडे विजेता होण उन्हां नू ही फिर असी भेजदे आ उत्थे है जी साडे कोलों इत्थों टैलीफोन बकायदा तौर पर जाता सी कि लिक्विडेशन ते फिर तुसी अपना इनाम जो है क्लेम करदे हो लाइना ते तुसी हो बीबी फड़ी गई है $73,000 नकद डालर समगल करदिआं कनेडा तो अमरीका जाना सी उन्हें लिबनान पहुँच गई जेल की काम करती होगी कनेडा दे विच शरणार्थी जिहड़ा व्यक्ति रिफ्यूजी खाली हथ कि कनेडा दे विच आया अपने मुल्क नूं वापस जाण लग्गिआं वड्डी रकम नाल बिना डिकलेयर कीतिआं लैके जा रहा की काम करती होगी इत्थे सुर सागर जी हैलो काफ़ी सारे जवाब साढ़े को आ गए हैं जी अगे चलीए जी भाई साहब लो जी फिर अगे चलते हैं तुसी टैलीविजन की जरूर आवाज़ कट कर लिया करो प्लीज़ जी हैलो हैलो जी भाई साहब हाँ जी वीर जी सत श्री अकाल की जवाब है जी जवाब वीर जी मेरा यह आ क्योंकि वह एक तो वेलफेयर लेंदी हो दूजा कैश से काम करती हो वेलफेयर लेंदी हो तो कैश से काम करती हो पर गल फिर उथे आ गई कि गैर कानूनी काम करती होगी क्योंकि जां ते तुसी वेलफेयर लै सकते हो वेलफेयर लैना कोई गैर कानूनी काम नहीं है वो तां जे तुसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जे उहदे विच तुसी फाल हुंदे हो तो तुहानूं वेलफेयर लग जाती है पर उहदे नाल ही जे तुसी काम भी करते हो हाँ जी तो रिपोर्ट भी नहीं करते कि तुसी कैश मतलब जॉब कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है
इन्हां ने यह कहा जी वेलफेयर भी लेंदी हो कैश से भी कम करती रही है तो इन्हें जोड़ लिया $70,000 तो फिर इन्हें कहा कि चलीए हुण लिबनान नूं हाँ जी उत्थे तां रिश्तेदार फिर उड़ीकदे रह गए तो हुण जेल दे विच बैठी है जी अजे भी जमानत होई नहीं है सुर सागर जी हैलो अगे चलीए जी लो जी फिर अगे चलते हैं हैलो ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਿਕਾਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਲੈਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 20 ਲੱਖ ਲੱਭੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਲੱਭੇ ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਓਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੱਭ ਗਏ ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਲੈਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਗਿਣਾ ਦਿਓਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਂਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਂਜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ 647-776-2620 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੀ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪ ਹੈ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ $60,000-70,000 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਕਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 3,000 ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15,000 ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ 50,000-40,000-10,000 ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $73,000 ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਐਡੀ ਰਕਮ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਇਹ ਦੋ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋਊਗੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਓਕੇ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡ ਪਰੇ ਦੂਰ ਮਿਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੇ ਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਦਾ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਚ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਪਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬੈਠੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਓਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਘੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ 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 ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ सुरेंद्र जी बहुत मेहरबानी सुरेंद्र सिंह जी ने अपना जवाब दिता अगे चलते हैं सुर सागर जी हैलो लो जी फिर तुसी हो लाइन ते जे देना चाहो जवाब तो जी आया नू हैलो नहीं तो अगे चलिए सुर सागर जी हैलो जी इस औरत दी लड़की बेबी सिटिंग करती है हाँ जी फिर इसका जो कोई व्यक्ति फड़िया जाता है एयरपोर्ट ते जां बॉर्डर क्रॉसिंग ते तो फिर वो क्रिमिनल बैकग्राउंड चैक करते हैं वो काफ़ी कुछ सामने आया है जी अज 2013 के फड़ी गई है 1992 1993 स्टोर के समान चोरी करती फड़ी गई सी सज़ा भी हुई सी है जी कोई व्यक्ति आता अपने मुल्क के जी मैनू तो उत्थे समस्या ही बहुत है मेरी तो उत्थे जान नू खतरा सीगा रिफ्यूजी बन के तो फिर इत्थे आ के जो मौका देंदे ने वो तो फिर भल पचदी नहीं स्टोरों के जाके चोरियां करते हो कमाल की गल है सुर सागर जी हैलो अगे चलिए जी सुर सागर जी हैलो हाँ जी भैन जी हाँ जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी हाँ जी हो सकता हो बैंक तो क्रेडिट कार्ड थ्रू लेके मनी भजी होवे मतलब अच्छा, अपने क्रेडिट कार्ड तो पैसे एकदम एटीएम चो कढ लए होणगे हौली हौली हाँ जी बिलकुल जी अच्छा जी की ना तुहाडा भैन जी हाँ जी इन्हें नाम नो रहन दो जी वाल गैसा अच्छा ठीक है कितनों आए हो गैस थैंक यू वेरी मच ओके मेहरबानी कोट पेंट नहीं चाहिए सुर सागर जी बैंक कार्ड तो भी कई बार चुस्ती दे नाल लोके हैं जी कढ़ लेंदे पैसे जी हैलो 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 जी हाँ जी जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल हाँ जी जी मैं सिमरन बोल रही हूँ हाँ जी सिमरन हाँ जी जी मैं ये कहना चाहना कि देखो हर एक चीज दे दो पहलू होने हैं हाँ जी मे भी जो आप सोच रहे हैं कि वो क्रिमिनल है ये जरूरी नहीं है कि वो क्रिमिनल ही होवे उस गल का कोई दूजा पहलू भी हो सकता है ते मे भी उसकी इंटेंशन बैड ना भी हो किसी की हेल्प करनी चाहती हो बट या ये मैं गल मानता कि जो उसने एयरपोर्ट पे ऐदा उन्होंने तो छुपाया ये गल गलत है जी ठीक है जी ते जेड़ा साड़ा सवाल है उसका जवाब दोगे हाँ जी हाँ जी दसो सवाल की सी जी तुहाडा सवाल ही सीगा इन्नी वड्डी रकम इस बीबी कोलों फड़ी गई है विंडसर दी ये रेजिडेंट है उत्थे की काम करदी होगी कि इन्ने पैसे सी इहदे को नहीं देखो जी कई बार जदों बंदा अपना काम करदा ते सेविंग कर सकदा ना मे बी वो काफी टाइम तो रह रही हो पहला जी हाँ जी हाँ जी ओके ठीक है जी मेहरबानी सिमरन जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने आप दे विच ये गलत गल है कि तुसी हाँ जी तुहाडी इंटेंशन कोई भी है चंगी होनी चाहिए हाँ जी अपने देश दे विच जा रहे हो तुसी वड्डी रकम लैके इस गल विच ही तुहाडी इंटेंशन समझ आउंदी आ कि तुसी बॉर्डर ते जाके कहिंदे हो जी मेरे को 3000 है बैग खोलदे ही पता लगदा नहीं जी 15000 है शरीर की तलाशी पता लग्या लैन लग्या लगता नहीं जी थोड़े कोल ते 5-6 गुणा होर ज़्यादा रकम है वड्डी फिर नाल तुसी बहानेबाजी ये कर दे हो कि जी मैं तो गिने ही नहीं सके मेरे को किन्ने आ नाल तुसी कहिंदे हो नहीं जी जिहड़ा मेरा बॉयफ्रेंड आ ना मैनूं छड्डण आया एयरपोर्ट ते इह देखो हुण कमाल दी गल है हाँ जी कि मैं उहनूं नहीं सी पता लगन देना चाहुंदी भी मेरे को किन्ने पैसे आ मैं इस करके इदां लुकोए हुए सीगे सो इस किस्म दे उहने बयानबाजी जिहड़ी आ पुलिस दे कोल कीती आ बाद दे विच सो चलदे आ अगे सुर सागर जी हैलो जी अगे चलिए सुर सागर सत श्री अकाल जी जी भाई साहब की हाल है जी ठीक है जी जी मैं भी ये कहना चाहना भी सारे देखो है ना भी आप ओदियां गल्ला कर रहे हैं ते अपने आप दी कोई नहीं दस रहा भी असी इत्थे की कर दे नहीं तुसी सवाल दा जवाब देना ते फिर प्रोग्राम चाहो बाकी दी गल्लां बाद च करांगे जी लाइनां सारियां ते साडे कोल लोग हन तुहाडी लाइन होल्ड ते आ कट्टी नहीं है
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੀਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 647-7726-2620 ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ $70,000-75,000 ਨਕਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਟਵਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਡਾਕ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਂਜੀ, ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟਵਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਹੈਂਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੈਂਜੀ, ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਬੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਜੀਤ ਜੈਨ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੈਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਨਾ ਸਕੋ। ਹੈਂਜੀ, ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 647-7726-2620 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਮੰਤਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ $10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਕਰਦੀ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਔਰਤ, ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਰੂਟ ਕਰਦੀ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਜਰ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ,
बोलो नहीं तो फिर अगे चलिए। सुर सागर जी हैलो, लो जी फिर असं अगे चलेंगे। सुर सागर जी सत श्री अकाल जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡਰੱਗ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਜਵਾਬ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਗਏ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ? 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ $70,000 ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰਚਿਆ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਫਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਓਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਹੋਵੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ, ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਕੇ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਵਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, 647-502-4800 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਦੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਮਰ ਸਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ,
वैसे तुसी मनी डिक्लेयर करदे हो अपना ना, तो टैक्स वगैरह का कोई डर नहीं, कुछ नहीं पैंदा तुहानू टैक्स वगैरह, कोई ऐसी गल नहीं। जस्ट तुसी जस्टिफाई कर सको कि यह रकम कित्थों आई है। अच्छा जी, की ना तुहाडा हो सकता जस्टिफाई ना कर सकती होवे कित्थों आया पैसा, ते इहनू स्मगलिंग कहिंदे आ जी। फिर नाम आप जी दा जी? हैलो, आप जी कौन बोल रहे हो? मैं बलबीर ढिल्लों ही बोल रही हूँ, पर अच्छा। मैं प्राइज लै चुकी हूँ, मैं हूँ नहीं लेना चाहती। ठीक है जी, टेलीविजन ठीक चलता? ठीक है जी, बहुत मेहरबानी बीबी ढिल्लों जी ने पिछली प्रोग्राम के टेलीविजन जितया जी, बहुत मेहरबानी। मनी लॉन्डरिंग तो ये जो हाँ जी असी समगलिंग वगैरह करते हाँ, ये डिकलेयर करन दा परपज यह रख्या होया कि तुहाडे कोल अपने मीनस तो प्राप्त किया होया कमाया होया पैसा होवे, जिहदा कोई मनी ट्रेल पेपर ट्रेल होवे, साबित कर सको कि कित्थों पैसा आया तो किधर नूं तुसीं लैके जा रहे हो। इन्ना ही परपज़ है कि तुसीं मनी लॉन्डरिंग ना करो, काले धन नूं चिट्टा ना बनाओ, है जी, इस किस्म के तुसीं क्राइम ना करो। सो साडे कोल विजेता है जी प्रोग्राम दे विच, बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं प्रोग्राम च पेश होए। तो ये जो औरत काबू आई है जिसने कि ब्रा दे विच वड्डी रकम सीती होई सी, अपनी दे विच भी अपनी 16 साल की लड़की नूं भी ब्रा उदां दी पवा दित्ती विच डालरां दीयां दत्थियां सी के, तो चाहती यह कि वह जो बॉयफ्रेंड है ड्राइवर है वो कहने के अनुसार उन्होंने पता न लगे कि वो किन्ने पैसे ने, तो एक उन्हें यह भी बयान दिता कि मैं तो गिने ही नहीं जी कि मेरे को किन्ने से। सो उसने कहा कि उसनों डिसएबिलिटी पैशन ये जी पेनशन है डिसएबिलिटी के पैसे मिलते हैं, उसकी कुड़ी बेबी सिटिंग करती है, पर कुड़ी वो नहीं जी नाल गई सी, दूसरी कुड़ी वो बेबी सिटिंग करती है। क्रिमिनल बैकग्राउंड यदि चैक की गई तो फिर देखा कि 1992-93 के स्टोरां दे विचों समान चोरी करदी फड़ी गई सी, सज़ा भी होई सी। सो जिहड़े व्यक्ति नूं सज़ा हो जाती है क्रिमिनल हुंदा है उहनूं अमरीका दे विच ते उह वैसे ही नहीं वड़न दिंदे, भावें तुसीं कैनेडियन सिटीजन नहीं होवो। सो अमरीका दे विच ते उह वैसे ही एंटर होण योग नहीं सी, उहनूं उत्थों फ्लाइट ही अपनी बुक नहीं सी करवानी चाहीदी क्योंकि क्रिमिनल सी, अमरीका तो जाके उड़ान फड़ी नहीं सी सकदी। सो याद रखो कि सरहद पार $10,000 तों ज़्यादा रकम डिकलेयर कीते बिना तुसीं नहीं ले जा सकते, ना लियांदी जा सकती है कनेडा दे अंदर, ना कनेडा तो बाहर ही ले जाई जा सकती है। सो ये औरत अजे भी जेल दे विच है, इहदी कुड़ी नूं छड्ड दिता गया, बॉयफ्रेंड नूं भी छड्ड दिता गया, उन्हां ते कोई केस नहीं दर्ज किया गया, इहदी रकम लेकिन के सारी की सारी जिहड़ी आ जब्त कर ली गई है। इक्को ही नहीं साडे कोल साडे दर्शक जिन्हां ने ठीक जवाब दिता, नाजर सिंह जी खंगूड़ा है जी, उन्होंने डिसएबिलिटी की गल की सी। सो किसी तरीके अपाज तो अपंग है, काम नहीं कर सकती, लेकिन कि वड्डी रकम हो गई डिसएबिलिटी पेनशन लेंद्या, तो उन्हें कहा जी इहनूं मैं छड्डिया वा उत्थे अपने मुल्क दे विच, हां जी उत्थे ते रिश्तेदार फिर उड़ीकदे रह गए, उड़ान चले गई, ये नहीं जा सकी, जेल दे विच बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने कि इस प्रोग्राम दे विच शमूलीयत की, सारे दर्शकों का असीं धन्यवाद करते हाँ। तो साढ़े सरदार नाजर सिंह जी खंगूड़ा अज्ज दे विजेता ने, तो सीके लिक्विडेशन ते जाके उत्थों ये कोट पेंट का अपने मेच का साइज़ का नवा लैके आउणगे, तो सी के लिक्विडेशन ते तुसी भी जा सकते हो, डेयरी ते टॉरबरम दी नुक्कर ते है उन्हां दा कमाल दा स्टोर। मैं सतपाल सिंह जौल तुहाडी सेवा दे विच पेश सी इस प्रोग्राम दे विच, इसे ही प्रोग्राम दे विच साडी तुहाडी अगले सोमवार नूं एक होर दिलचस्प सवाल दे नाल होवेगी मुलाकात। जसप्रीत रंधावा जी दा धन्नवाद के प्रोग्राम नूं कंट्रोल कीता, दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।